पूर्व मंत्रियों और एवं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का कई मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना। भिंड जिला कांग्रेस कमेटी में खंडवा रोड पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना रखा। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, युवा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष पिंकी भदूरिया और साथ ही यहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में ये विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया। आपको बता दें कि इस दौरान 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर ही डिप्टी कलेक्टर ने कांग्रेस का ज्ञापन लिया। इसमें बाढ़ मुआवजा राशि, विद्युत व्यवस्था को लेकर परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली पर रोक और गोहद में अवैध क्रशर प्लांटों, सिंध चंबल में अवैध रेत उत्खनन पर रोक और नियम विरुद्ध ट्रांसफर, शहर के सीवरेज प्रोजेक्ट और पेयजल प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह चौधरी, राकेश सिंह और जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने भाजपा पर आरएसएस के निर्देश में चलने और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार लगाने के कई गंभीर आरोप लगाए। 2 ज्ञापन पत्र हमने सौंपे हैं, एक महामहिम राज्यपाल के नाम से जो 10 मांगे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तय की गई थी, वो ज्ञापन था। दूसरा हमारा यहाँ कलेक्टर भिंड को के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, चाहे वो सीवर प्रोजेक्ट हो और चाहे वो जो अभी हाल में आई हुई बाढ़ आपदा हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो हमारा सांकेतिक धरना था, मैं यही जिला प्रशासन के लिए काम करूंगा, चेतावनी दे रहा हूँ, धरने में बैठूंगा और अगले महीने लाहौर में प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद कलेक्टर और एसपी के कार्यालय पर यह दस्तक। कांग्रेस की तरफ भारत बंद करा रही है। इसका सिद्धांत हमारे नेता सोनिया गांधी ने कहा है, किसानों का आंदोलन है, उनकी मांगें उचित हैं। 1 वर्ष से हमारे देश के किसान भूखों प्यासे, हवा पानी गर्मी और सर्दी से परेशान होकर धरना आंदोलनरत हैं।